सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज से दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी रेस विद रिगेरा, और उसमें मैंने बोला था कि भाई कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट कार कौन सी चाहिए। तो एक भाई ने कमेंट करके बताया कि भाई इस वाले अपडेट में सीज़न 3 आया और सीज़न 3 में जस्को एब्सोल्यूट है, तो उसको अपग्रेड करो और उसका स्पीड टेस्ट करके हमें बताओ। भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने तो अभी कोनिक्सेक जस्को ना देखी है, और भाई बोल रहा है कि कोनिक्सेक जस्को एब्सोल्यूट। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं कोनिक्सेक जस्को, और ऐसे ही मैं एक्सप्लोर कर रहा था और भाई मैंने ये खोला सीज़न वगैरह, और भाई इसमें मैंने जो देखा, मतलब देख रहे हो तुम, इसमें भाई कौन सी कार नहीं है तुम ये बता दो भाई। लंबोर्गिनी सियन, बुगाटी बोलाइड, बुगाटी वोल्चर नोयर, और कौन कौन सी है भाई, ये क्या है, लंबोर्गिनी हरिकेन, सुपर टोरेटो, फोरेटो, पता नहीं भाई कौन कौन सी कार है, नाम भी ना पता यार। और ये रही भाई अपनी कोनिक्सेक जस्को, और भाई अब तुम बस बता दो कि कौन सी कार चाहिए, तो उसका ही मैं अपग्रेड करके स्पीड टेस्ट करके दिखा दूंगा तुम लोगों को। बस अब तुम हाथ रखो, बस कमेंट भर दो जल्दी जल्दी कि तुम्हें कौन सी कार चाहिए नेक्स्ट। सो आज हम लोग भाई देखने वाले हैं कोनिक्सेक जस्को, और ये रही भाई अपनी जस्को। सो अभी देख लो तुम्हारे सामने ही एकदम नई 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 गरम गरम दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, द विनर टेक इट ऑल। ओके, तो ये रही भाई कोनिक्सेक जस्को, और भाई ये तो यार बंद है सारी की सारी। सो गाइज, अनलॉक करना पड़ेगा ये सारा का सारा, और भाई मेरे कज़िन ने ये कार अनलॉक कर दिया, पता नहीं उसको कहाँ से मिल गया मेरा फ़ोन, तो उसने ये अनलॉक कर दिया, और पता नहीं कितने गोल्ड की अनलॉक हुई होगी। अभी इसका टॉप स्पीड वगैरह तो अभी यार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यू खोला है, तो यार इसमें देखना पड़ेगा कि अपना लेमांस है कि नहीं, लेमांस ट्रैक है कि नहीं। अगर तो हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो किसी और ट्रैक पे ट्राई करेंगे। और इसकी भाई जो स्टॉक है वो है 483, और भाई अब ज़रा इसकी देख तो लेने दो भाई, ढंग से एकदम निहारने दो कार को। और भाई आगे चल के मैं तुम लोगों को भाई कोनिक्सेक के बारे में एक यूनिक चीज़ बताऊंगा, मतलब बहुत ही तगड़ा यूनिक चीज़। और भाई कलर ज़रा चेक करो भाई, भाई ऑरेंज, भाई ऑरेंज बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब ऑरेंज इज़ दी बेस्ट। और तुम लोग भाई कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा कलर बढ़िया लग रहा है, और भाई मेरा तो ऑरेंज है। और भाई अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं और देखते हैं भाई कैसी है स्टॉक में। और ये तो लगे हुए हैं ऑफिशियल वाले, और रेज हाइट वाइट वगैरह ठीक है यार। सो गाइज, मैंने ना थोड़े से इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें चली हुए दिखाई ना रहे थे यार, मतलब कि जब तक तुम अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम नेक्स्ट वाले ट्रैक पे जा नहीं सकते हो। तो और जो दूसरी कार हैं अगैरा RS और रिगैरा, मैंने इनसे थोड़ा सा एक दो रेस करी, और उसके बाद माउंट पैनोरामा में जाके हमें जस्को मिली है स्टॉक में भगाने के लिए। तो अब भाई भगाते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि स्टॉक में पावर कैसी है अपनी जस्को की। सो गाइज, ये रही भाई अपनी जस्को कोनिक्सेक। ओ भाई साहब, क्या लाइनअप है यार, भाई क्या तगड़ा ही लाइनअप है भाई। और ऑरेंज कलर का तो भाई मैं दीवाना हो चुका हूँ। और भाई यहाँ पर ये रहा अपनी जस्को का कॉकपिट, देख लो भाई कैसा है कॉकपिट। और यहाँ भाई साहब, भाई यार अच्छी भग रही है भाई, तगड़ी, आराम से धीरे चलिए। अभी मैं ना इन सबसे जल्दी से आगे निकल जाऊंगा, फिर आगे जाके लास्ट में ना इसका स्टॉक स्पीड चेक करेंगे कि देखते हैं भाई कितने, भाई भाग तो रही है यार, भाई स्टॉक में तगड़ी जा रही है। ओ भाई यार मस्त भाग रही है यार, खूब भाई साहब, अगैरा और अगैरा RS, भाई इनसे फटाफट जल्दी जल्दी आगे निकल जाऊँगा, और उसके बाद लास्ट में जाके ना चेक करेंगे। वैसे यार मस्त भाग रही है यार, एकदम स्मूथ भाग रही, एकदम स्मूथ। ओए 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 ओए, क्या अबे यार ठुकी, कोई नहीं, चलता है, अभी अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड भाई जब अपग्रेड करूँगा ना इसे सब कुछ चेंज कर दूँगा, अपना फेवरेट कलर लगा दूँगा ऑरेंज। भाई सही चल रही है यार, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है चलाने में। और बस ये है कि थोड़ी सी ब्रेकिंग स्लो है इसकी, और हैंडलिंग वगैरह भी अब देख ही सकते हो भाई, थोड़ा स्लो है इसका, और जब अपग्रेड हो जाएगी अपग्रेड के बाद तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइज, रेडी हो जाओ टॉप स्पीड के लिए कोनिक्सेक जस्को की इन स्टॉक। तो भाई खींच दिया पूरी, कितनी जा रही है भाई, 300 ऐसे ही लगा रही यार, 300 350 400 भाई सब स्टॉक में जा रही है 400, और मैंने सुना भाई अपग्रेड के बाद ये जाएगी 500 प्लस, भाई कितनी तुम भाई कमेंट करके बताओ, मैंने आगे ध्यान दिया पता नहीं कितनी गई है, 460 के वो तो ऊपर गई है भाई, बढ़िया यार कार तो एक नंबर। और भाई जो भी अपग्रेड हो जाएगी उसके बाद भाई क्या ही होगा,
क्या ही होगा भाई कार का। और गाइस कॉनिक्सेग ब्रांड के कुछ बेहतरीन फैक्ट्स। तो गाइस जो तुम ये कार देख रहे हो ना, अच्छा तुम ले एक बात बताओ, एक कार ब्रांड है उसके अंदर कितने लोग काम करते होंगे, जरा कमेंट करके बताना कितने लोग काम करते होंगे। और अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जो कॉनिक्सेग है ना भाई उसके अंदर सिर्फ मात्र 500 लोग काम करते हैं, मात्र 500 लोग। और सबसे तगड़ी चीज़, और जो तुम जो कार देखते हो सुपर कार हो गई, फरारी लंबोर्गिनी, उसके अंदर भाई इंजन यूज़ होता है इनका, ये जर्मन इंजन यूज़ होते हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ का हो गया या फिर कोई और ब्रांड के इंजन यूज़ करते हैं ये लोग। और जो अपनी कॉनिक्सेग है ना भाई, कॉनिक्सेग के बाद खुद का अपना इंजन है, मतलब उन्होंने खुद अपना इंजन प्रोड्यूस कर रखा है भाई। ऐसी भाई अभी तक कोई ब्रांड नहीं है जिसका खुद का इंजन हो, पर कॉनिक्सेग के पास उसका खुद का इंजन है। और सबसे एक तगड़ी चीज़ कि आजकल तुम कोई भी सुपर कार, छोटी से छोटी कार ले लो जितनी भी है ना भाई, सब हाई ऑक्टेन फ्यूल मांगती हैं भागने के लिए या चलने के लिए। पर जो कॉनिक्सेग है ना भाई, जो तुम्हारे पास बाइक है ना, जो उसमें पेट्रोल डल रहा है ना, उस पे चल जाएगी ये हाइपर कार, समझ रहे हो भाई, उस पेट्रोल में चलेगी ये हाइपर कार। इतनी ज़्यादा सक्सेस पा रखी है ना कॉनिक्सेग ने, मतलब भाई मैं तो भाई फ़ैन हूँ कॉनिक्सेग का। और बुगाटी की तो भाई नाक में दम कर रखा है कॉनिक्सेग ने, बुगाटी कुछ भी ना है भाई कॉनिक्सेग के आगे। ऐसे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ओपिनियन है कि भाई कॉनिक्सेग इज़ दी गॉड, स्पीड ऑफ गॉड, बुगाटी वगैरह भाई कुछ नहीं है कॉनिक्सेग के सामने भाई। और एक और चीज़ बताऊँ, जो रिगेरा है ना, रिगेरा के अंदर सिर्फ एक गियर है भाई, एक गियर के अंदर वो 0 to 400 जाती है भाई, सिर्फ ओनली एक गियर के अंदर। तो अब समझ जाओ भाई कितनी तगड़ी इनोवेशन कर रखी है कॉनिक्सेग ने भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। इतनी तो भाई लंबोर्गिनी ने अपने पूरे ईयर में ना करी होगी, पूरे उसमें ना करी होगी, जितना भी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है ना। तो अब तुम लगा लो भाई कॉनिक्सेग कहाँ है और बुगाटी कहाँ है। सो गाइज अब यार वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, और आज के लिए इतने रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं इसको अपग्रेड करूँगा, और अपग्रेड के साथ साथ जो और जो इवेंट है और जो रेस ट्रैक है, अगर जो लेमांस मिला तो उसमें भाई लेमांस में अपग्रेड करके सीधा लेमांस में भगाएंगे, और उसकी फिर देखेंगे टॉप स्पीड क्या रहेगी। और आज के लिए इतने रखते हैं, एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब इस योर मजेदार वीडियोस के लिए। और कमेंट करके बता देना कि तुम्हें नेक्स्ट कार कौन सी चाहिए, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।